प्राणी मुझे स्थूल दृष्टि से देखे तो मैं शून्य हूं, और सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो दीर्घाकार हूं। मैं ओंकार हूं। मैना और हिमालय राज अपने पुत्र मैनाक के भविष्य और पुत्री पार्वती के विवाह के लिए चिंतित हैं। जब नारद पार्वती के साथ वहां आते हैं तो हिमालय राज के पूछने पर नारद पार्वती का हाथ देखकर उसके भावी पति की छवि प्रस्तुत करते हैं। ये ज्ञात होने पर सखी जया विजया पार्वती के साथ परिहास करती है। उधर नारद इंद्र और देवगण को साथ लेकर भगवान शिव से पूछने आ पहुंचते हैं कि पार्वती का विवाह कब होगा। शिव सभी को प्रताड़ित करते हुए धैर्य रखने के लिए कहते हैं। प्रणाम गुरुवर। अखंड सौभाग्य हो। कहूं ना रानी, यहाँ किसकी प्रतीक्षा में खड़ी हो? गुरुवर, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। बिराजिए। मेरी? जी। भला क्यों? देवऋषि नारद ने पार्वती के विषय में भविष्यवाणी की है, अर्थात उसके भावी पति के विषय में, परंतु उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया, केवल वर के गुण और लक्षण बताए हैं। मेरे मन में जिज्ञासा बलवती हो रही है कि ऐसे गुण और लक्षण वाला कौन हो सकता है। वहां पार्वती और अन्य के समक्ष प्रश्न करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओ, तो ये बात है। अच्छा मैना रानी, ये तो बताओ, देवर्षि ने भावी वर के कौन कौन से गुण व लक्षण बताए थे? उन्होंने कहा था वो परम संतोषी होगा, संपूर्ण जगत द्वारा पूज्य और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होगा, वो तनिक सी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाला होगा, और ये भी कहा था। बस मैना रानी बस, ये सारे लक्षण तो भगवान शिव जी के ही हैं। भोलेनाथ शिव शंकर। देवर्षि नारद की भविष्यवाणी सत्य ही होगी, कारण कि पार्वती का पति भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। ये शिव और शक्ति का मिलन होगा, और जो होगा शुभ ही होगा। क्या हुआ महारानी? कहाँ क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर और कहाँ? चिंता की रेखाओं ने तुम्हारे मुख को घेर लिया है। स्वामी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं आपके पास आ गया। कहो क्या बात? देवऋषि नारद ने पार्वती के भावी वर के विषय में जो गुण और लक्षण बताए थे वो स्मरण है आपको? हाँ स्मरण तो है। महर्षि गर्ग बता रहे थे कि वो सारे गुण और लक्षण भगवान शिव के हैं। भगवान शिव के गुण? क्या महर्षि गर्ग ने ऐसा कहा? हाँ स्वामी, मेरा मन तो भावी आशंका से आशंकित हो रहा है, भला एक राजकुमारी का पति एक योगी कैसे हो सकता है? आप हंस रहे हैं? हाँ महारानी, दुख और चिंता का कोई भी कारण नहीं है। सत्य तो ये है कि भगवान शिव के विषय में हमारा ज्ञान अपूर्ण है, और जब तक ये ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक भगवान शिव का पूर्ण विवरण नहीं मिल जाता, तब तक हमें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। चलो देव आओ। चुपके उनकी चर्चा सुनी जा रही है। कैसी चर्चा? किन की चर्चा? ले जया, बताई से हम उनके किन की चर्चा कर रहे हैं? अरे जिसे पता है, जिसका मन अटका हुआ है वो नहीं बता सकती, तो ये बेचारी जया कैसे बता सकेगी? तुम दोनों हर समय मुझे तंग करती रहती हो। करना भला नहीं है। ठीक है, भविष्य में हम हर समय नहीं, कभी कभी तक
तंग करेंगे, क्यों? ठीक है ना? फिर वही। अरे क्या फिर वही? भीतर मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से स्वांग रच रही हो। सखियों से मन की बात छिपाना अच्छी बात है क्या? बोल, बोलना अच्छी बात है क्या? नहीं तो फिर बताना क्या? मन की बात? क्या बात? फिर लगी स्वांग करने। देखो हम उनकी बात कर रहे हैं जो भविष्य में बारात लेकर आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो कैसा सुखद क्षण होगा जब मुझे ले जाने के लिए मेरे आराध्य भोलेनाथ आएंगे। मैं उस क्षण की वो अपने आराध्य भोलेनाथ की प्रतीक्षा करूंगी। आपने मुझे बुलाया भगवान? हाँ नंदी। आप क्या करें प्रभु? नंदी यहाँ कैलाश पर हम एक भाव से समाधि में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्यों भगवान? देखते नहीं कभी नारद तो कभी इंद्र और देवगण आकर हमारी समाधि में विघ्न डालते रहते हैं। वे तो आपकी कृपा प्राप्ति के हेतु आते हैं भगवान। नंदी जो कृपा के योग्य होते हैं उन्हें हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं उनके पास पहुंच जाते हैं। रहे नारद, वे यहाँ कृपा प्राप्ति हेतु नहीं कृपा दिलवाने हेतु आते हैं। प्रभु सभी आपकी महिमा का गान करते हैं। किंतु नंदी यदि हम ध्यान नहीं लगाएंगे तो कृपा और महिमा का अर्थ समाप्त हो जाएगा। आज्ञा करें प्रभु, क्या करना है? हमने कैलाश त्यागने का निश्चय कर लिया। कैलाश का त्याग? किंतु भगवान आपके बिना मैं कैसे रह सकूंगा? चिंता ना करो नंदी, तुम भी हमारे साथ चलोगे। जो आज्ञा भगवान। ध्यान रहे कि मेरे साथ केवल तुम आ रहे हो, अन्य कोई गण नहीं। और कोई भी नहीं आएगा साथ में? आना क्या, किसी को इस बात की सूचना भी नहीं होगी कि हम कहाँ गए हैं और कहाँ प्रवास कर रहे हैं। कब चलना है भोलेनाथ? अभी इसी समय। आओ पिताश्री। हमारे द्वारा आयोजित सर्व पर्वत सम्मेलन एक अनूठा सम्मेलन है जिसमें सभी पर्वत सम्मिलित होंगे और वो हमारा प्रभुत्व भी स्वीकार करेंगे। पुत्र मैनाथ, प्रभुत्व स्वीकार करवाने की चेष्टा को शुभ नहीं माना जाता। ऐसी चेष्टा करने वाले की आभा और प्रतिभा दोनों नष्ट हो जाती है। तो फिर सर्व पर्वत सम्मेलन के आयोजन का प्रयोजन क्या है? पारस्परिक सद्भाव, मैत्री और बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी इस संगठन के अधिपति का चुनाव करना आवश्यक है पिताश्री। मैं तो चाहूंगा कि आपके नाम की पूर्ण घोषणा करें कि आप ही इस सम्मेलन और संगठन के अधिपति हैं। मैनाथ तुम मेरे पुत्र हो, मुझसे शत्रुता क्यों करना चाहते हो? क्यों ऐसा कार्य करना चाहते हो जिससे मेरा लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएं? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं आपसे शत्रुता करूंगा, आपका लोक परलोक नष्ट करूंगा? ये विचार आपके मन में आया कैसे? आप मेरे पिता हैं, मैं आपका अहित करूंगा? नहीं पिताश्री, कदापि नहीं। देखो मैनाक, पिता अथवा पुत्र, यदि उन दोनों में से कोई भी अपने पिता या पुत्र के लिए अनुचित और अनाधिकार रूप से अनीति और अन्याय से प्रभुत्व पद अधिकार संपत्ति या संपदा प्राप्त करना चाहता है तो वह लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से पाप का भागी कहलाता है। दोनों को अंत में असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए पुत्र ऐसे प्रभुत्व अधिकार वपद से दूर ही रहना चाहिए जो अनाधिकार रूप से प्राप्त किया जाए। महाराज की जय हो। कैलाशपति शिव का दूत नंदी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहता है महाराज। कैलाशपति का दूत यहाँ? प्रतिहारी उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। जी महाराज। कैलाशपति शिव का दूत हमारे यहां किस प्रयोजन से आया है? भेंट करने पर ज्ञात हो जाएगा पुत्र। हिमालय राज की जय हो। चराचर पति देवेश्वर सदा शिव के सेवक नंदी का प्रणाम स्वीकार हो। आओ नंदी, आपका स्वागत। कहिए क्या समाचार लाए? समाचार
समाचार नहीं लाए हैं हिमालय राज, हम तो अनुमति लेने आए हैं। अनुमति लेने? स्पष्ट कहिए नंदी। भगवान शिव शंकर आपके हिमगिरी शिखर पर कुछ समय के लिए एकांत ध्यान समाधि लगाना चाहते हैं, क्या आप इसकी अनुमति देंगे? कैलाशपति को भी अनुमति की आवश्यकता है नंदी, यह तो हमारा अहोभाग्य है। कैलाशपति हमारे क्षेत्र में निवास करेंगे, ये सचमुच हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है नंदी। हमारी ओर से कैलाशपति को अनुरोध करें कि वे हमारे यहाँ अतिथि बनकर पधारें, हमारा समूचा परिवार उनके दर्शन से धन्य हो जाए। धन्यवाद हिमालय राज, मैं आपका संदेश कैलाशपति तक पहुंचा दूंगा। प्रणाम। पिताश्री, शिवजी को कैलाश पर्वत त्याग कर हमारे क्षेत्र में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब विधाता को किसी प्राणी के सौभाग्य या दुर्भाग्य की रचना करनी होती है तो वे ऐसी परिस्थितियां और घटनाओं का निर्माण करते हैं जो साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे है, किंतु कैलाशपति का हमारे क्षेत्र में पदार्पण निश्चय ही सौभाग्यपूर्ण होगा। कैलाशपति द्वारा किसी का आतिथ्य स्वीकार करना केवल सौभाग्य का ही नहीं अपितु प्राणी के लिए गौरव का विषय भी है। भोलेनाथ के कैलाश से प्रस्थान करने पर और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के अदृश्य हो जाने से शिवगण तथा देवगण दोनों ही अनिश्चितता की स्थिति में थे तथा सृष्टि की व्यवस्था में भी बाधा उपस्थित होने लगी थी, किंतु देवर्षि नारद इस रहस्य से पूर्ण परिचित थे कि शिव और ब्रह्मा ने अपना अपना स्थान क्यों त्यागा और वे कहां स्थिर हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद, तुम फिर यहां आ गए। मैं ब्रह्मलोक से ये विचार करके यहां आया था कि यहाँ एकांत मिलेगा, किंतु तुम यहाँ भी मिलने चले आते। लगता है अब मुझे कहीं और स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। परमपिता, यदि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं वहाँ भी अवश्य पहुँच सकता हूँ जहाँ आप जाएंगे। ये सब आप ही की कृपा का फल है। नारायण नारायण। अच्छा, अब कहो किस प्रयोजन से आए? परमपिता, प्रयोजन नया नहीं, देवताओं को स्वर्ग से हटाकर तारकासुर उन पर अत्याचार करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। देवताओं की दुर्दशा आप देख ही नहीं जाती। आपका वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत उद्दंड और उच्छृंखल हो गया है। नारद, देवताओं की दुर्दशा का ज्ञान मुझे है। स्वयं देवराज इंद्र एवं देवगण कुछ समय पूर्व ब्रह्मलोक रहे थे। वे तारकासुर को स्वर्ग से हटाकर वहां पुनः स्थापित होने के लिए विकल्प है, लेकिन केवल इच्छा और विकलता से ही कार्य सिद्ध नहीं। तो कार्य सिद्धि के लिए क्या करना होता है परमपिता? उद्देश्य की पवित्रता ही कार्य सिद्धि का मेरुदंड है नारद। देवराज इंद्र तो स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होते ही भोग और ऐश्वर्य में लिप्त होकर दैत्य एवं उद्देश्य दोनों भूल जाते हैं। सो तो तारकासुर भी भूला हुआ है, किंतु वो अब तक स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। तुम बार बार विधि का विधान भूलते हो। तारकासुर का पुण्य जब समाप्त होगा उस दिन उसके वरदान का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, तब उसकी अधोगति होगी। किंतु वो दिन कब आएगा परमपिता, कब? उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। भगवान भोलेनाथ भी यही कहते हैं और आप भी यही उत्तर देते हैं, किंतु आप दोनों में से कोई भी इस सत्य का उद्घाटन करने के लिए तैयार नहीं है। समय आने पर सब कुछ प्रकट हो जाएगा। किंतु वो समय कब आएगा? आपके वरदान के अनुसार शिवपुत्र ही तारकासुर का वध करेगा, किंतु शिवजी तो शक्ति स्वरूपा पार्वती का नाम सुनते ही और भी अधिक वैरागी हो जाते हैं। अब तो कैलाश छोड़कर और कहीं चले गए हैं। और कहीं चले गए हैं? तो क्या उनका कैलाश से जाना शुभ और कल्याणकारी हुआ? ऐसा ही लगता है। किंतु वो गए कहाँ पर पिता? क्यों, क्या तुम भी वहाँ जाना चाहते हो? नहीं ना, ये उचित नहीं होगा। भोलेनाथ ने कैलाश को ध्यान समाधि के लिए कुछ समय के लिए त्याग दिया,
इसलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। इस समय केवल इतना कह सकता हूं कि यदि तुम देवराज व देवगणों का हित चाहते हो तो कुछ समय के लिए भोलेनाथ को एकांतवास कर दो, इसी में सबका कल्याण है। महारानी मैना, क्या सोच रही हो? आजकल तुम सोचने बहुत लगी हो। जब पुत्री युवा और विवाह योग्य हो जाती है ना, तो माता भी सोचने लगती है। केवल माता? कहो माता पिता सोचने लगते हैं। चलो हिमगिरी चले और कैलाशपति के दर्शन करते हैं। किंतु स्मरण रहे, नंदीश्वर कैलाशपति का संदेश दे गए हैं कि वो एकांत की खोज में हिमगिरी के शिखर पर आए हैं, इसलिए कोई भी उनकी ध्यान समाधि में बाधा न डाले। पैनाक, हम बाधा डालने नहीं जा रहे हैं पुत्र, हम तो दर्शनों के लिए जा रहे हैं। एक ही बात है पिताश्री, आपका वहां जाना आपके लिए तो दर्शन है किंतु उनके लिए विघ्न है। मैनाक, तुम भूल रहे हो, कैलाशपति हमारे अतिथि हैं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। सत्य तो यह है कि हम उन्हें अपनी सेवाएं अर्पित करने जा रहे हैं, और इसे दर्शन कहना मातृभाषा की उत्कृष्टता है। मैं तो कहूंगा तुम भी हमारे साथ चलो और पार्वती को भी यहीं बुला लो। हाँ पुत्र। सुनो नंदी, आज्ञा करें प्रभु। तुम इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना कि कोई भी यहाँ आकर हमारी एकांत समाधि में विघ्न डालकर हमें बाधा न पहुंचाए। आप निश्चिंत रहें भोलेनाथ, मेरे होते हुए आपके समीप आने की कोई चेष्टा भी नहीं कर सकेगा। तुम कहते हो तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। स्थान रमणीक है हिमालय राज, और अति सुंदर भी, मन भावन भी। किंतु आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हमने सोचा कैलाशपति महाराज शिव के दर्शन ही कर लें, इसलिए यहाँ आए। आपने जो सोचा उत्तम सोचा, आप दर्शन करने के लिए आए, सब परिवार आए हैं। हाँ, यहाँ सब जो आते हैं दर्शन के लिए ही आते हैं, समाधि लगाने कोई नहीं आता। हाँ हाँ, समाधि भोलेनाथ ध्यान समाधि में लीन है, दर्शन संभव नहीं। दूरदर्शन भी संभव नहीं? अर्थात? अर्थात दूर से दर्शन। इस तरह दर्शन भी हो जाएंगे और समाधि भी भंग नहीं होगी। दूरदर्शन से भी किसी को लाभ हुआ है हिमालय राज? जिनकी आत्मा और उद्देश्य पवित्र होते हैं नंदी, उन्हें तो दूरदर्शन से ही लाभ होता है। अब दूरी से क्यों, समीप से दर्शन होंगे। आओ देवी। चलिए आओ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, हिमालय राज आए। देवाधिदेव कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। इस समय हम मोह माया से सर्वथा विमुख, तुम्हारे वियोग के पश्चात वैराग्य हमारे संपूर्ण अस्तित्व का एक भाग, एक अंग बन गया है। अब हम उस वैराग्य से दूर नहीं जाएंगे।